हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बीएससी फिजिक्स का जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो बुक आप परचेज करते हैं बीएससी फिजिक्स के अंदर, तो उसमें कौन सा पब्लिकेशन आपको लेना चाहिए, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स के जितने भी आपके यूनिट्स हैं पांचों यूनिट के कंप्लीट नोट्स मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लस आपको इस पेपर को पढ़ना किस तरीके से है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, आपको एग्ज़ाम में इस पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी बुक को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये बीएससी फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक मेरे पास लेकर आई हूँ मैं। तो ये जो बुक है, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी की हुई थी उस यूनिवर्सिटी में ये बुक चलती थी या ये बुक उसके लिए बेस्ट मानी जाती थी। तो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन से पब्लिकेशन की बुक चलती है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बुक के बारे में बात करेंगे, देन मैं आपको किस तरीके से पढ़ना है इस पेपर को, और देन उसके बाद नोट्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप बीएससी फिजिक्स के लिए, मैथमेटिकल फिजिक्स की या फिर कोई भी अदर पेपर की, किसी भी जो आपका चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई सा भी पेपर हो, बीएससी की जब आप बुक परचेज करते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एक बुक, कोई भी पब्लिकेशन, वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होती। हर बुक चार पांच यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करती है। देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट बुक पर वीडियो बनाती हूँ, बुक का आपको व्यू दिखाती हूँ, और उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये मेरे पास मैथमेटिकल फिजिक्स के CBH पब्लिकेशन की बुक है बीएससी के लिए। तो देखो, जब भी आप कोई भी बुक परचेज करेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था ना, चार पांच यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिक्स रहेगा। तो यहाँ पर जैसे इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर तीन यूनिवर्सिटी के नेम इधर लिखे हुए हैं, ठीक है, फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लिखा हुआ है। तो टोटल इसमें कितनी हो गई, ये तीन, एक चार और एक पाँच, पाँच यूनिवर्सिटी का लिए इसमें सिलेबस दिया हुआ है। यानी ये बुक पांच यूनिवर्सिटी के अंदर चल सकती है, जिन जिन के सिलेबस इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। अब आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक परचेज करनी है, ना कि पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन से पब्लिकेशन की बुक खरीदें। अब मेरे पास है CBH पब्लिकेशन की बुक है, तो राजस्थान के अंदर मोस्टली में CBH पब्लिकेशन ही चलता है, लेकिन आपको पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग परचेज करनी है। तो या तो आप अपने कॉलेज के टीचर से या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है उससे पूछ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी पब्लिकेशन की बुक बेस्ट रहेगी यदि आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बुक के अंदर भी आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बुक उठाकर पढ़ने बैठ गए। अब ये जो चैप्टर दिए हुए हैं इसमें अलग अलग, ये इस तरीके से आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे चैप्टर ही आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो, यानी बुक परचेज़ करने के बाद भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकालना है। आप जो भी बुक परचेज़ करेंगे या तो उसी में दिया हुआ होगा सिलेबस, यदि नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी यूनिवर्सिटी का उस सब्जेक्ट का सिलेबस निकालना, देन उस सिलेबस में टॉपिक्स देखना। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया हुआ है साइड में, तो इसमें ये देखिए, जैसे यूनिट वन है तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, यूनिट टू में ये टॉपिक्स हैं। अब एक एक टॉपिक को उठाइएगा और यहाँ पर जो कंटेंट दिया हुआ होगा ना बुक के अंदर, उसमें उन टॉपिक को टिक लगा लीजिएगा। जैसे ये यूनिट वन है तो इसमें जो चैप्टर वन है ना, इसमें देखो यहाँ पर टिक लग रहे हैं, तो यही जो टिक वाले टॉपिक्स हैं ना, यही इस सिलेबस में है। बाकी के जो ये एक्स्ट्रा है ना, ये इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। हो सकता है ये टॉपिक्स दूसरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो। अब ये टेंसर वाला चैप्टर है, इसमें जो टिक लग रहे हैं ना, यही जो टॉपिक्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थे, तो केवल यही टॉपिक्स बुक से पढ़े, बाकी के टॉपिक छोड़ दिए। तो यानी बुक से भी यदि आप बीएससी की पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक ही पढ़ने बैठ गए, क्योंकि सारे टॉपिक्स नहीं होते। एक बुक चार पांच यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करती है, इसलिए उसमें सभी का जो ओवरऑल सिलेबस होता है ना, कंटेंट होता है, वो दिया हुआ होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बुक में, यदि आप बुक से पढ़ते हैं ना, बीएससी की स्टडी बुक से करते हैं, तो फिर आपको इस तरीके से टिक लगा लेने हैं। जो भी आपके बुक आप परचेस करते हैं उसमें टॉपिक्स देखिए, उनको अपने सिलेबस से मैच करिए कि ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो मुझे यही टॉपिक्स बुक से कम्प्लीट पढ़ने हैं।
बाकी यदि जो भी स्टूडेंट्स बुक्स से पढ़ने की सोच रहे हैं तो वही स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगी, यदि आप आगे एमएससी करना चाहते हैं या किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ही आप बुक परचेज़ करने के बारे में सोचिएगा या फिर बुक से पढ़ने के बारे में सोचिएगा। वरना अदरवाइज़ यदि आपको ओनली बीएससी पास करनी है, बीएससी की डिग्री चाहिए, ओनली बीएससी में अच्छी परसेंटेज बन जाए ठीक ठाक केवल बीएससी के लिए, तो आपको बुक परचेज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती है जो कि मतलब एक यदि अच्छे से पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है जिसको नॉलेज लेनी है, डीप नॉलेज लेनी है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने हैं अच्छे से, तब तो वो बुक से पढ़ सकता है, उसके लिए तो बुक सफिशिएंट है, अच्छी है। लेकिन जिन्हें ओनली बीएससी में पढ़ना है, पास होना है, डिग्री चाहिए, तो वो ओनली नोट्स, यदि आपके पास नोट्स मिल जाए ना तो नोट्स से ही काम चल जाएगा, नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर आप सभी स्टूडेंट्स को बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर है, पूरा डेरिवेशन वाला पेपर है, जब आप इसके नोट्स देखेंगे ना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, वो भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर। तो जब आप इस बुक के नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जितने भी चैप्टर हैं, 5 यूनिट जो हैं इसमें, उनमें सभी के अंदर डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, बहुत सारे लेंथी लेंथी से डेरिवेशन है। तो यदि आप इस पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो इन डेरिवेशंस को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए, आपने नोट्स को पढ़ लिया और याद हो गए। डेरिवेशंस जब तक हाथ को आप प्रैक्टिस नहीं कराओगे, 2-3 बार उन डेरिवेशंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो डेरिवेशन याद नहीं होंगे। और ये पूरा पेपर आपका मतलब एक तरीके से कहें तो इजी भी है, क्योंकि इसमें आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी वाले टॉपिक्स होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं है, सारे टॉपिक्स इजी हैं इसके अंदर, एक बार में समझ में आ जाएंगे। और थ्योरी के नाम पर इसमें डेरिवेशंस हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि इस पेपर को आपको पढ़ना कैसे है। नाउ बुक्स के बाद अब मैं आपको नोट्स का बता देती हूँ। नोट्स के आपको पीडीएफ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक इंग्लिश मीडियम का लिंक होगा, एक हिंदी मीडियम का लिंक होगा, वहाँ से आप मैथमेटिकल फिजिक्स के जो आपके जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, कंप्लीट मैंने एक सिंगल पीडीएफ के अंदर डाल दिया हुआ है, और वो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप नोट्स के लिए पेमेंट कर देंगे, नोट्स आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच जाएंगे, तो पेमेंट करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स का जो पीडीएफ डाउनलोड है वो मिल जाएगा, उसका लिंक, और फिर आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल कर इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। इन नोट्स में सारी चीज़ें बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को प्रोवाइड की गई है, एक एक डेरिवेशन बिल्कुल प्रॉपरली बिना स्टेप छोड़े सॉल्व किए हुए हैं, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। बाकी ये तो हो गया कि आपको डायरेक्ट पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स का पूरा पेपर का नोट्स एक साथ मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको चैप्टर वाइज यानी यूनिट वाइज यदि नोट्स चाहिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर इस पेपर के अंदर, देन आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यदि आप नोट्स परचेज करने से पहले भी एक बार नोट्स को देखना चाहते हैं, देन आप प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज इसकी सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, उन वीडियो के अंदर मैंने पूरे पूरे नोट्स दिखाए हुए हैं, तो आप उन वीडियो के ज़रिए नोट्स को पहले एक बार देख कर चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे नोट्स मिलने वाले हैं। यदि आप पर्टिकुलर एक दो चैप्टर परचेस करना चाहते हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर वीडियो पर जाकर उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज लिंक्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो पूरा पेपर भी एक बार में परचेस कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी नोट्स ले सकते हैं। बाकी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यदि आपको आपकी एग्ज़ाम्स में बीएससी के एग्ज़ाम्स में और बेटर मार्क्स लेके आने हैं, 80% से अबव, 85% से अबव, तो आप साथ साथ में नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेना, क्योंकि बीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर करें, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चाहे तो आप बुक परचेज़ कर लें, यूट्यूब से कहीं से भी वेबसाइट वगैरह जो होती है उनसे डाउनलोड कर लें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर करें नोट्स के साथ साथ। आई होप अब आपको इस पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बुक्स की हमने बात कर ली, नोट्स की हमने बात कर ली, किस तरीके से आपको पेपर कंप्लीट करना है प्रैक्टिस कर करके डेरिवेशन के, वो हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आप लोगों ने देख लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको आप रिवाइज करिएगा। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.